बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इधर हमने मटन का लिवर, हार्ट और किडनीज लिए हैं। हम इनका एक सूखा मसाला बनाएंगे। हम इसको हरा मसाला लगाएंगे। इधर हमने प्याज ली है 1-2 से 3, हरा धनिया, लौंग, इलायची, दालचीनी, हरी मिर्चें और काली मिर्च। अभी हम इन इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट बना लेंगे। इसको जार में डाल लें। इसमें पानी ऐड करें। इसमें बस थोड़ा सा पानी ऐड करें, ज़्यादा मत ऐड करें। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डलेगा। तो गाइस, हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। हमने इधर एक कुकर में तेल को डाल लिया है। इसमें उस मसाले को ऐड कर दें। इस मसाले को अच्छे से पकाएं। लगभग 1-5 मिनट तक इसे पकाते रहें। मसाला पक गया है। जैसे ही मसाला पक जाए, इन सारी चीज़ों को कुकर में ऐड कर दें। अब इसमें नमक को ऐड करें। अभी इसको फुल फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएं। गाइस, ये पक गया है। इसमें नींबू डाल दें। अब इसमें थोड़ा मसाले वाला पानी ऐड करें। अब कुकर इसका लिड क्लोज कर दें और इसे 1 सीटी आने तक पकाएं, फिर ऑफ कर दें। गाइस, 1 सीटी आने पर हमने कुकर का लिड खोल लिया था। गाइस, अगर आप रोटियों के साथ खा रहे हैं तो ऐसे ही ग्रेवी की तरह रखें। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो आप इसे ड्राई भी कर सकते हैं। गैस को फुल फ्लेम पर रखकर इसका सारा मसाला ड्राई कर लें। आप इसे जितना मर्जी चाहे उतना रिड्यूस कर सकते हैं। गाइस, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। हमने इसमें लेमन का आधा हिस्सा डाला था। हम बाकी बचा हिस्सा इसमें डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लास्ट में इसे डिश आउट कर लें। हमने इसकी इतनी थिकनेस रखी है। आप चाहे तो इसे और भी सूखा बना सकते हैं। गाइस, ये तैयार था। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसे रोटी या चपाती के साथ खा सकते हैं, या फिर दाल और चावल के साथ भी अच्छा होता है। गाइज़, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।